वैसे तो फिर विस्तार से तो कल के बताऊं उन क्षेत्रों में, इसमें वो है, ये पूरा अध्याय है ये रहा। देखो अब ये भी बता दूं, आप शिवपुराण अपने घर पढ़ लो, मोल ले लो आज ही। विद्येश्वर संहिता है पहली संहिता, सात संहिताएं हैं, विद्येश्वर संहिता प्रथम संहिता का और अध्याय संख्या है 14। 14वें अध्याय में यह है कि शिव जी के द्वारा सातों वारों को निर्माण किया गया, सातों दिन शंकर ने बनाई, ना पहले कोई दिन नहीं था। और इसमें आपको मैं उतने पढ़ दूं जहां पर मैं दिन किस किस के बने, ये आ गए, फर्स्ट पहला दिन भगवान ने सातों दिन बनाए। उन भगवान ने सबसे पहले, शिव जी ने अपने वार की कल्पना करी, सबसे पहला आदमी ने अपने लिए घर बनाया तो उन्होंने अपने लिए अपना वार तैयार किया, कल्पना की। जो क्या करता है, जो आरोग्य प्रदान करता है, ये उसका फल है। अच्छा, अब वो रविवार कैसे है, अब सुनो। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का पार्वती का बनाया, सोमवार पार्वती का, उसके पश्चात अपनी माया शक्ति का घरवाली के लिए घर बनाया, फिर एक दूसरा बनाया। वो क्या करता है, वो संपत्ति प्रदान करता है, संपत्ति तो घरवाली पे ही है, बाबूजी पे क्या है, जब भी तो वही रहे वो, इसलिए संपत्ति शिव जी का सोमवार का व्रत रखने से खूब धन संपत्ति मिलती है, सबको पता, सब जानते हैं, वो इसलिए मिलते है कि पार्वती का है, शिव जी का तो पहला है। और अब सुनो, जन्म काल में दुर्गति ग्रस्त बालकों की रक्षा के लिए, बच्चों की दुर्गति ना हो जन्म के समय भी और बाद में, तो बच्चे तो दुर्गति हो जाएगी, उससे कुछ पता तो होता नहीं, वो क्या कर देगा, उसके लिए उन्होंने तीसरा दिन बनाया कुमार, उसका नाम है कुमारवार, कुमारवार की कल्पना करी, ठीक है, यह हो गया मंगलवार, कुमार वार्ग बनाया। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस और पाप की निवृत्ति के लिए, अगर आलस और पाप छूटता है उस तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया बुधवार, सारे लोगों की रक्षा हो और पापों की निवृत्ति हो, किसी को आलकस ना आवे तो बुधवार बनाया। अभी इसका नाम बुधवार नहीं रखा, नाम क्यों रखेगा, यज्ञ आवेगा, अभी तो चौथा बना, ठीक है, भगवान विष्णु के लिए वार बना, एक पार्वती के लिए बना दिया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु कर्ता, जो आयु बढ़ाने वाले हैं, त्रिलोक सृष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का, और ब्रह्मा का एक दिन ब्रह्मा के लिए आयुष्कारक वार बना, जो आयु की वृद्धि करता है, वो बृहस्पति वार, अभी बृहस्पति नाम नहीं हुआ इसका, वो बृहस्पति हुआ, पांचवा हुआ, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके, सबको आयु मिले, बृहस्पति से ही आयुष बनेगी, अभी नाम बृहस्पति नहीं होगा। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि करने के पहले करने के लिए पुण्य और पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ और अशुभ फल देने के लिए, पाप का वो देने के लिए शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया, ये दो के लिए बनाया, इंद्र के लिए और यम के, नहीं दो बनाए, एक इंद्र के लिए बनाया शुक्रवार और यमराज के लिए शनिवार बनाया, अभी नाम नहीं आए, अब नाम सुनो इनके क्यों बने। यम और इंद्र यम के लिए दो दिन बना दिए, ये दोनों वार बाद के, यानी अब जिसको हम शुक्र और वो कहते हैं, हाँ ये दोनों वार क्रमशः क्या क्या देते हैं, इनका फल सुनो, भोग, शुक्रवार से भोग मिलता है, भोग देने वाले तथा शनिवार लोगों के मृत्यु का भय दूर करने के लिए शनिचर है, इसका नाम, अब शनि नाम तो अब आएगा, अभी तो एक कोरे हैं, अभी बिना नाम के हैं सर, लेकिन इनके मतलब बता दी कि इसलिए बना रहे, इसलिए उम्र बढ़ाने के लिए शनिवार वो, और भोगों के लिए शुक्रवार, और यमराज के मौत से बचने के लिए भोग। अब देखो ये सब बनाए, इसके बाद अब देखो बाकी कब, मंगलवार को हनुमान जी का,
मैं ये बात तो कल आप देखो समय तो देखो शिव प्राण तो जो ये जो बात आवेगी ना ये तो इतनी पढ़ने के बाद आवेगी कल को, जिसको आगे सुननी कल को आ जाइए इसमें क्या बात। सीताराम आरती का समय हो रहा है, प्रसाद नहीं आया तो फिर सुना देते हैं, चलो नहीं फिर तो मजबूरी है बता देते हैं, चलो चलो मना कर दो अभी, अभी मना कर दो उसको। अब सुनो भाई राधेश्याम जी, अब इनके नाम क्यों पड़े और ये कौन सा किसका है? अब पहला शिव जी ने अपने लिए बनाया, ठीक, इसका नाम रविवार को पड़ेगा, हाँ जी हरिओम। अब इसका नाम रविवार को, दिन तो शिव जी का, दिन तो पार्वती का, तो सोमवार क्यों पड़ा? पार्वती वार होना चाहिए था, उमा वार होना चाहिए था, शिव जी का दिन है तो राम इसका पहले वाले का, शंकर वार शिव वार होता तो रविवार क्यों पड़ा? सबके नाम ये मंगलवार क्यों पड़ा? दिन विष्णु भगवान का बुधवार क्यों पड़ा, है ना, आदि आदि। दिन है इंद्र का शुक्रवार क्यों पड़ा? दिन है यमराज का शनिवार क्यों पड़ा? तो अभी ये बता रहे शिव जी ने ये व्यवस्था क्यों करी, अब ये सुनो आप। सातों बन गए, फिर इन सातों सातों वारों के स्वामियों को निश्चित किया, एक एक मास्टर चाहिए इनके लिए, एक एक वो भी शिव जी ने नियुक्त करे, आप यो लो आपका यो रहेगा आपका यो रहेगा, दिन के मास्टर बनाए स्वामी, वे सबके सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडप में प्रतिष्ठित हैं। अब आओ शिव के वार, इसमें स्पष्ट लिखा शिव जी का जो वार है, अगर बोलना शिव जी का वार शिव वार तो वो रविवार है, संडे है अंग्रेजी, शिव जी के वार या दिन के स्वामी सूर्य बनाए भगवान शिव जी ने, भाई इस दिन के आपको सौंप दिया काम शिव जी ने, सूर्य बनाए इसलिए उसका नाम रविवार। शक्ति संबंधी वार के स्वामी जो पार्वती का शक्ति होती है जो वो धन संपत्ति देती है, उसके स्वामी सोम को बनाया, सोम सोम को, हाँ सोमचंद्र बनाया। कुमार संबंधी दिन जो मंगलवार का अधिपति मंगल को बनाया, ये सब नक्षत्र हैं, मंगल को बनाया उसका नाम मंगलवार हो गया। विष्णु भगवान के दिन वार के स्वामी बुध को बनाया, बुध को तो उसका नाम बुधवार, विष्णुवार नहीं रहा बुधवार हो गया। और ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति जी को बनाया, इसलिए बृहस्पतिवार हो गया, गुरुवार हो गया। और इंद्रवार का इसमें लिखा, इंद्रवार है इसलिए नाम उसका, जैसे रविवार का क्या नाम असली शिववार, और सोमवार का नाम उमावार, लेकिन वो सोम को बना दिया तो पार्वती बहन ने तो नाम और आगे कर दिए, काम मालिक वो है उसकी, उनका दिन है वो पार्वती का दिन है। जब पार्वती है तो शिव जी तो फ्री मावेंगे साथ, ऐसा तोड़े कि अकेले तो नहीं, वो तो अर्धा वो है उनकी, वो अर्धनारीश्वर है। हाँ, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति जी को बनाया, इंद्रवार के स्वामी शुक्रवार को बनाया, शुक्र को बनाया, और यम शुक्र को, इंद्र का शुक्रवार जो है जो शुक्र को सौंप दिया कि तुम व्यवस्था देखोगे, जो जो देना है जो मैंने व्यवस्था की भोग दोगे, नहीं शुक्र ग्रह है ना, मंगल ग्रह शुक्र शनि ये ग्रह नक्षत्र भी था ना, नक्षत्र भी तो बनाया इन्होंने, उन नक्षत्रों को सौंप दिया, यो शुक्र को सौंप दिया। और यमवार जो यम जी यमराज का वार है यमवार, उसके स्वामी शनिश्चर को बना दिया, शनि राहु के तो ये सारे ग्रह तो हैं नक्षत्र, वो शनि को सौंप दिया। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा जो जो उनके स्वामी हैं, उनके अपने अपने फल को देने वाली हो, ये कर दिया जी, जिसका जो वार है वो उस उसके स्वामी उसका फल देगा। तो जो आरोग्य का वार है वो है शिववार यानी रविवार, तो उससे आरोग्य की मिलते हैं, देते हैं शिव जी, और कंट्रोल और व्यवस्था सौंप पर किस सूरज भगवान, मैनेजर वो हैं, वो केवल मैनेजर हैं। दिन शिव जी का है रविवार, से सोमवार पार्वती का दिन है, मालिक पार्वती हैं, लेकिन व्यवस्था सोम को सौंप दी, अरेंजमेंट डीएम की तरह वो करते हैं, वैसे वो सरकार की व्यवस्था है सारी, शिव जी के ही हैं सारे के सारे। इसलिए सूर्य आरोग्य के रविवार, चंद्रमा सोमवार संपत्ति के दाता है, मंगल
व्याधियों का निवारण करते हैं। अगर किसी को कोई कष्ट है, बीमारी आदि है, तो मंगल ठीक करेंगे, वो मंगल को व्रत करो आप, वो हनुमान जी वाला। और बुध पुष्टि देते हैं, विष्णु भगवान का दिन है तो भगवान पुष्टि रक्षा करते हैं। और बृहस्पतिवार आयु की वृद्धि करते हैं, अगर किसी को अपनी आयु बढ़ानी तो बृहस्पतिवार का व्रत करो, उनकी पूजा करो। और शुक्र की अगर भोग चाहिए तो शुक्र का व्रत करो, और अगर शनिवार का व्रत करना तो इस समय उसे क्या होगा, मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। शनिश्चर महाराज जो है मृत्यु के भय को निवारण कर देंगे। यमराज का दिन है तो यमराज जिस पर खुश हो गया तो उसे कौन डरा लगा, फिर कहना नहीं, चिंता ना करना, डरना बेफिक्र हो। ये सात वारों के कर्म से फल बताए गए हैं जो उन्होंने देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा फल देने वाले, अन्य देवताओं की पूजा का भी जो फल देने वाले हैं वो भी शिव जी है, वो भी भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की पांच प्रकार की पद्धति बनाई गई, वो आगे फिर अनव्यवस्था से बोल शंकर भगवान की। अब याद रहेगा रविवार किसका दिन है, ये बताएंगे रविवार है ना। और देवता कौन है उसका, वो किस मैनेजर कौन बना दिया, सूरज। सोमवार किसका दिन है, पार्वती का। और उसका डीएम कौन बना दिया, व्यवस्थापक सोम, चंद्रमा को। ठीक, मालिक पार्वती है, दिन उसका है, सब सब वो करेगी, ऐसे से बना दी। सीता राम फिर ये कैसे तय हुआ कि सोमवार को शिव जी की होगी और मंगल को हनुमान जी की होगी, कौन कह रहा है, किसने कहा था? तो सोमवार को जो कर रहे हैं ना, शिव जी का शिव जी पार्वती दो हैं, आप कह तो दिया, आप और देवताओं की भी करोगे वो शिव जी देंगे उनके व्यवस्था। सातों बार शिव जी के हैं, पहले बात तो सातों के सातों शिव जी के। सुना हाँ, रास्ता इधर का लोग हमारा।